हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम क्लोमिफेट टेबलेट के बारे में बात करेंगे इसमें क्लोमिफेन सिट्रेट होता है जो कि फिफ्टी एमजे में अवेलेबल होता है इस टेबलेट को कब यूज किया जाता है क्या लेट्रोजोल और क्लोमिफेन दोनों सेम ही है तो जी हाँ बिल्कुल दोनों सेम है सेम वर्क होता है पर ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको लेट्रोजोल भी, भी दे सकते हैं या क्लोमिफेन सिट्रेट भी दे सकते हैं जिन डॉक्टर को हैबिट होती है कि जो लेट्रोजोल चला रहे शुरू से वो लेट्रोजोल भी चलाते कई बार लेट्रोजोल अच्छे से वर्क नहीं करती है तो फिर क्लोमिफेन सिट्रेट प्रिस्क्राइब कर देते हैं या फिर कई डॉक्टर डायरेक्ट क्लोमोफेन सिट्रेट ही चलाते हैं तो दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है दोनों टेबलेट को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं जैसे कि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही पेशेंट को अदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और आ, हमको लगता है कि पेशेंट को ओवलेशन नहीं हो रहा ओवोलेशन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि कंसीव होना तो पॉसिबल ही नहीं है तो ओवोलेशन को स्टूमुलेट करने के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट देते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट को कब देते हैं तो इसको पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट करवाते हैं कोई डॉक्टर पीरियड के तीसरे दिन और पाँचवें दिन भी दे सकते हैं इसका जो मिनिमम डोज रहता है वो फाइव डेज टू टेन डेज तक हम दे सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें पूरे महीने इसको चलाना पड़ता है जैसे कि पॉलिसिस्टिक ओवरन सिंड्रोम है या अदर कोई प्रॉब्लम हो रही है हार्मोन इनबैलेंस चल रहा है बॉडी में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज करना पड़ सकता है बट हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में हम पीरियड के सेकेंड से देते हैं जैसे ही ये टैबलेट ख़त्म होती है उसके बाद में ओवुलेशन हो जाता है तो हम लोग हस, हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं कि जैसे ही टैबलेट ख़त्म होती है आप अल्टरनेट डेज पर कॉन्टेक्ट में आइए जिस भी डॉक्टर का आप ट्रीटमेंट ले रहे डॉक्टर पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको या फिर हो सकता है कि सिट्रेट टैबलेट देने के बाद में आपका ओवोल्यूशन मॉनिटरिंग हो तो उसमें पता चल जाएगा कि एक निकला कि नहीं एक निकला तो कौन सी ओवरी से निकला है कितने एम का हो गया है मतलब डोमिनेट फॉलिकल्स कितने एम का हो गया है और ये कब रक्चर होने वाला है तो ये सारी चीज़ें हम आ, फॉलिकुलर स्टडी से पता कर सकते हैं जो कि टी कर, करवाना होती है उसी में अच्छे से फॉलिकल्स दिखते हैं तो फोलिकुलर uh, मॉनिटरिंग के साथ में हो सकता है कि आप एक महीने में ही कंसीव कर ले क्योंकि उसमें पूरी मॉनिटरिंग होती है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि अब साथ में रहो और हो सकता है कि कभी कभी एक रप्चर नहीं होते तो रप्चर करने के लिए एस के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी का चांस और ज्यादा बढ़ जाए ठीक है तो क्लोमोफेन टेबलेट को ये बहुत सारे नामों से मार्केट में अवेलेबल क्लोमो है क्लोमोफिट है क्लोमोमैक्स है क्लोमिफर्ट है बहुत सारे नाम से सा आती है तो आपके डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्राइब करे और जब भी आपको बोले कि आपको दूसरे दिन से लेना है तीसरे दिन से पांचवें दिन से तब से आपको लेना है ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती है तो अपनी मर्जी से नहीं लेना है तो जब भी डॉक्टर देते हैं आपको हम पीरियड के ऑलमोस्ट सेकेंड डे से स्टार्ट करवाते हैं पांच दिन का कोर्स रहता है पांच दिन में टैबलेट ख़त्म हो जाती है हम किसी किसी को दस दिन के लिए भी देते हैं इसको लेना कैसे रहता है एक किसका फिक्स टाइम रहता है कि दिन में एक बार लेना है कि दिन में दो बार लेना है पर एक बार सफिशेंट होती है वो हर एक पेशेंट के, के केस पर डिपेंड करता है क्या केस हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी डोज डिसाइड होता है खाने के बाद में लेना है जैसे आप सुबह दस बजे ले रहे तो आपको पर डे दस बजे ही लेना है टाइम का बहुत ज़्यादा गेप ऊपर नीचे नहीं करना है इसको चौबीस घंटे में लेना रहता है इसके बाद में जब भी आपकी टेबलेट खत्म हो जाती है तो उसके बाद से ही तुरंत आपको कॉन्टेक्ट में आना है यानी कि रिलेशन अल्टरनेट डेज पर रिलेशन बनाना है आप दूसरी बात अपना ओवलेशन का भी पता करके रखें कि मेरा ओवलेशन पीरियड के बारहवें दिन हो रहा है कि दिन के सोलहवें दिन तो जो आपकी ओवलेशन की डेट है उससे आप चार दिन बाद तक भी कांटेक्ट में रहे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आपकी पीरियड साइकिल तीस दिन की है हमने क्लोमोफेन टैबलेट आपको दी है और तीस दिन की पीरियड साइकिल में हमारा जो ओवलेशन रहेगा सोलह दिन पे रहेगा तो क्लोमोफेन टैबलेट लेने के बाद हो सकता है कि वो ओवलेशन आपका बारहवें दिन चौदहवें दिन या सोलहवें दिन हो सकता है तो आपको कांटेक्ट में रहना है पीरियड के बीसवें दिन से मतलब बीसवें दिन तक बीसवें दिन के बाद में आपको कॉन्टैक्ट में नहीं रहना है कई बार ऐसा होता है कि महिला कंसीव कर लेती है यानी कि बच्चा भी बन जाता है एम्ब्लोई बन जाता है इधर यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है पर कई बार आप लोग कॉन्टेक्ट में रहते हैं सेक्स करते इसके कारण कई बार कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो इम्प्लांटेशन हो गया वो इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो डॉक्टर आपको यही सलाह देते हैं कि जो ओवलेशन के दिन है उसके दो या चार दिन बाद तक भी आप साथ में रह सकते उसके बाद में आप लोग मिलना जुलना बंद करें और अपने पीरियड की डेट का वेट करें। अगर पीरियड की डेट आपकी मिस होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी टेस्ट और आपका बीटा एस तीनों टेस्ट में से दो टेस्ट आपको करवा सकते हैं सबसे पहला तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो कि यूपीटी होता है अगर यूपीटी में फ्लेंट लाइन आ रही है या ऐसा लग रहा है डॉक्टर को कि आपको कंसीव हो गया है तो बिटा एस्टीजी टेस्ट करवा के हम कंफर्म कर सकते हैं प्रेगनेंसी को कि आप प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए इसके बाद में अल्ट्रासाउंड का नंबर आता है कि डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप दस दिन या बारह दिन बाद फिर से रिपीट आइए फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि प्रेग्नेंसी कहाँ ग्रो कर रही है और बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई है तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि क्लोमोफेन टैबलेट हम कब लेते हैं अब हम बात करते हैं क्लोमोफेट टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में क्या इस टेबलेट के साइड इफेक्ट होते हैं तो जी हाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट होते हैं किसी पेशेंट को दिखते किसी को नहीं दिखते जैसे कि कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट होते जैसे कि थोड़ा उल्टी जैसा मन होना थोड़ा मतली जैसा लगता है सिर दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है थोड़ी गैस बन सकती है नींद कम आना और थोड़ा बेचैनी रहना इसके बाद में थोड़ा वेट गेन होना सांस लेने में तकलीफ होना और थोड़ा एंजाइटी टाइप फील होना अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिख रहे और ये लक्षण दिनों दिन बढ़ रहे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए डॉक्टर इसका बीच का सॉल्यूशन निकालेंगे या तो आपको जो आ, साइड इफेक्ट हो रहा है उसको कम करने की मेडिसिन दे सकते हैं धन्यवाद